अन्नू जानी, तुम्हारा खत मिला। पाकिस्तान के हालात पढ़कर कोई खास परेशानी नहीं हुई। यहाँ भी इसी किस्म के हालात चल रहे हैं। शायरों और अदीबों ने मर मर कर यहाँ का बेड़ा गर्क कर दिया है। मुझे यहाँ भाइयों के साथ रहने का कहा गया था। मैंने कहा कि मैं जमीन पर भी भाइयों के साथ ही रहा करता था, मुझे एक अलग क्वार्टर इनायत फरमा दें। मुस्तफ़ा जैदी ने यह काम कर दिया और मुझे क्वार्टर मिल गया। मगर इसका डिज़ाइन नसरी नज्म की तरह का है, जो समझ में तो आ जाती है लेकिन याद नहीं रहती। रोज़ाना भूल जाता हूँ कि मेरा बेडरूम कहाँ है। लेकिन इस क्वार्टर में रहने का एक फ़ायदा है, मीर तकी मीर का घर सामने है। उनके 250 अशआर जिनमें वज़न का फुकदान था निकाल चुका हूँ, मगर मीर से कहने की हिम्मत नहीं हो रही। कूचाए शेरो सुखन में सबसे बड़ा घर गालिब का है। मैंने मीर से कहा, आप गालिब से बड़े शायर हैं, आपका घर ऐवाने गालिब से बड़ा होना चाहिए। मीर ने कहा, दरअसल वो घर गालिब के ससुराल का है, गालिब ने उस पर कब्जा जमा लिया है। मीर के घर कोई नहीं आता। साल भर के बाद अरसे में बस एक बार नासिर काजमी आए, वो भी मीर के कबूतरों को देखने के लिए। ऐवान गालिब मगरिब के बाद खुला रहता है, जिसकी वजह तुम जानते हो। मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। यहाँ आकर ये मिसरा मुझे समझ में आया, इसमें बार अंग्रेजी वाला है। दो मर्तबा गालिब ने मुझे भी बुलवाया, लेकिन मुनीर नियाजी ने यहाँ भी मेरा पत्ता काट दिया। सौदा का घर मेरे क्वार्टर से 100 कदम के फासले पर है। यहाँ आने के बाद मैं उनसे मिलने गया, मुझे देखते ही कहने लगे, मियाँ तुम मेरा सौदा ला दिया करो। मान गया, सौदा का सौदा लाना मेरे लिए बाई से इज्जत है। लेकिन जानी, जब सौदा हिसाब मांगते थे तो मुझ पर कयामत गुजर जाती थी। जन्नत की मुर्गी इतनी महंगी ले आए? हलवा क्या न्याज फतेहपुरी की दुकान से ले आए? वह तुम्हें टिंडों की पहचान नहीं है? हर चीज़ पर इतराज। मुझे लगा था कि वो शक करने लगे हैं कि मैं सौदे में से पैसे रख लेता हूँ। चार रोज पहले मैंने उनसे कह दिया कि मैं उर्दू अदब की तारीख का वाहिद शायर हूँ जो 80 लाख कैश छोड़कर यहाँ आया है। आपके टिंडों से क्या कमाऊँगा? आपको बड़ा शायर मानता हूँ, इसलिए काम करने को तैयार हुआ। आपकी शायरी से किसी किस्म का फ़ायदा नहीं उठाया, आपकी कोई ज़मीन इस्तेमाल नहीं की। आइंदा अपना सौदा फैज़ अहमद फैज़ से मंगवाया कीजिए, ताकि आपका थोड़ा बहुत कर्ज तो चुकाएं। मेरे हाथ में बैंगन था, वो उनको थमाए और कहा, बैंगन को मेरे हाथ से लेना कि चला मैं। एक शहद की नहर के किनारे अहमद फराज से मुलाकात हुई। मैंने कहा, मेरे बाद आए हो इसलिए खुद को बड़ा शायर मत समझना। फराज ने कहा, मुशायरे में नहीं आया। फिर मुझसे कहने लगे, उमराव जान कहाँ रहती है? मैंने कहा, रुस्वा होने से बेहतर है घर चले जाओ, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ रहती है। जानी, एक हूर है जो हर जुमेरात की शाम मेरे घर आलू का भरता पका के ले आती है। शायरी का भी शौक है, खुद भी लिखती है, मगर जानी जितनी देर वो मेरे घर रहती है सिर्फ मुश्ताक अहमद यूसी का जिक्र करती है। उसको सिर्फ मुश्ताक अहमद यूसी से मिलने का शौक है। मैंने कहा, खुदा उनको लंबी जिंदगी दे, पाकिस्तान को उनकी बहुत ज़रूरत है। अगर मिलना चाहती हो तो ज़मीन पर जाओ, जिस किस्म की शायरी कर रही हो करती रहो, वो खुद तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और पिकनिक मनाने समंदर के किनारे ले जाएंगे। इब्ने इंशा, सैयद मोहम्मद जाफरी, दिलावर फिगार, फरीद जबालपुरी और ज़मीर जाफरी एक ही क्वार्टर में रहते हैं। उन लोगों ने 9 नवंबर को इकबाल की पैदाइश के सिलसिले में एक डिनर का एहतमाम किया था। इकबाल, फैज़, कासमी, सूफी तबस्सुम, फराज और हम वक्त मुकर्रर पर पहुंच गए। क्वार्टर में अंधेरा था और दरवाजे पर पर्ची लगी थी, हम लोग जहन्नुम की भैंस के पाए खाने जा रहे हैं, डिनर अगले साल 9 नवंबर को रखा है। अगले दिन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन सब की अदबी महफिलों में शिरकत पर पाबंदी लगा दी। तुमने अपने खत में मुशफिक ख्वाजा के बारे में पूछा था, वो यहाँ अकेले रहते हैं, कहीं नहीं जाते। मगर हैरत की बात है जानी कि मैंने उनके घर उर्दू और फारसी के बड़े बड़े शायरों को आते जाते देखा है। यहाँ आने की भी जल्दी ना करना, क्योंकि तुम्हारे वहाँ रहने में मेरा भी फायदा है।
अगर तुम भी यहाँ आ गए फिर वहां मुझे कौन याद करेगा। जीते रहो और किसी न किसी पर मरते रहो। हम भी किसी न किसी पर मरते रहे मगर जानी जीने का मौका नहीं मिला।